वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स के टॉप 5 एमसीक्यू, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 मतलब आईएससी का प्रमुख राज्य भागीदार है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 आईएससी का तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। यह है एमएसएमई विदेश मामले मंत्रालय और इंडिया एसएमई फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य भागीदार है और उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी राज्य भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्यवाही कर सकता है। इसका आंसर है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक नया रूप है, जिसका उपयोग पिछली डेटा का उपयोग करके सामग्री बनाने या कार्यवाही करने के लिए किया जा सकता है। जनरेटिव एआई के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक चैट जीपीटी है। यह है अन्य एआई जैसे डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय उस प्रशिक्षण के आधार पर एक टेक्स्ट, एक छवि, यहाँ तक कि एक कंप्यूटर कोड सहित नई सामग्री बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसका आंसर है रूस। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय हेग में है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैर कानूनी निर्वासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्र से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पर्यटन वर्ष ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका आंसर है 2023। एससीओ पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। संघाई सहयोग संगठन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है। इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी और हमले जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकना है।